पंजाब दा किसान रुक गया, वो बिल्कुल नहीं रुकिया। असी मरदे दम तक असी बार्डर नहीं छड़ांगे जिन्ना चिर किसान जथेबंदियां दा हुक्म नहीं आउंदा। सो अज 20-25 ट्रैक्टर 225-200 बंदा लेकर अज असी दिल्ली पहुँचांगे, अज पहुँच जाइए, कल पहुँच जाइए, उत्थे रहांगे। इन्हां मेरे किसान भरावां नूं बार्डर ते उत्थे छड़ के ते असी फिर आपदा गेड़ा दूजे तीजे दिन लावांगे, चौथे दिन। उहदा कारण है कि कई उत्थे भरा गिदड़बा दे काफ़ी दिनों तो बैठे है, जिहड़े आ जाण नवें चले जाण, आ जाण नवें चले जाण। दूजा, मैं कार ते जा सकदा सी, बस ते जा सकदा सी, लेकिन कार ते बस ते जाण नाल गिनती नहीं होनी जिहड़ियां फोर्सां ते एजेंसियां मोदी ने लाइया हुई हैं, इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ, IB, उन्हां नूं एक कन्न हो जाण कि जिहड़ा किसान है वह निरंतर ट्रैक्टर लैके तुरिया हुआ है। ये सिलसिला जिन्ना चिर नबेड़दे नहीं चलता रहना है। बस ते जाण नाल ते कार ते जाण नाल वो सुनेहा नहीं मिलता। ते तीजा, मैं आपदा फर्ज निभाउंदे होए मैं धरने 'च वी बह सकदा, क्योंकि हजे जथेबंदियां ने सानूं कहा कि पोलीटिकल पार्टियां दे आगू उत्थे ना पहुँचन, पर मैं आपदा काम इत्थों कर रहा कि जिहड़े बंदे साडा इन्हां दा जिहड़ा मगर है, कोई बंदा जे उत्थों आउंदा 5,000 बंदा तां 10,000 बंदा दुआरे उत्थे धरने दे विच पहुँच जाए। ये असी सारा उपराला अज कीता। सो मैं खुद चला के अज ट्रैक्टर लैके असी उत्थे बार्डर ते पहुंचांगे, वाया डब वाली होके जावांगे। मनी साहब, वैसे तो कोई कमी नहीं आ रही होती, फिर भी कोई ना कुछ तुसी आपदे लोग की सहयोग पा। साहब जी, मैं आपदे वालों संजोग दी जिथों तक गल है, किसानां वास्ते सब कुछ हाजिर है। मैं आपदी आपदे मन बनाया कि आपदी तनखा चों घट्टो घट 6 महीनों की तनखा बनती इन्हां किसान भरावां दे लेखे लावां। सो आपदी तनखा चों राशन पानी समान, एक ट्रक साडा राशन दा लंबी मोड़ ते खड़ा है, उहनूं नाल लैके जाणा जिस किसी नूं भी कोई जरूरत होवे। और ये भी ऐलान किया गया है साडे भरावां नूं, गिदड़बे वालियां नूं, किसी चीज़ की कितने जरूरत होवे उत्थे बॉर्डर ते, सिलेंडर खत्म हो गया, कोई चीज़ खत्म हो गई, किसी कोले है नहीं, तां असीं हाज़र हैं, हर तरीके नाल हाज़र हैं। जिंदाबाद हरा झंडा हरा पटका, ना असी अज दी डेट च MLA आपदे आप नूं समझ के जा रहे हैं, ना किसान ना कांग्रेसी बन के जा रहे, केवल किसान दा पुत होने दे नाते अज असी दिल्ली वल कूच रहे हैं। इहदे विच कोई आ जाए, अकाली आ जाए, कांग्रेसी आ जाए, आम आदमी पार्टी वाला आ जाए, BJP वाला आ जाए, BSP वाला आ जाए, किसान दे नाल है, किसान दा पुत किसान नाल। ठीक भाई जी, बादल साहब ने ते ढींडसा जी ने कौमी अवार्ड वापस करन दा ऐलान कीता जी। ओ भाई जी, अवार्ड वापस बादल साहब बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने जिवें हरसिमरत कौर कही जाती है उवें बेचारियां तों कराई जाती है। बुजुर्ग 95-97 साल दे बुजुर्ग है, मैं उन्हां दा इस उम्र दे विच सत्कार करदा हां, लेकिन अवार्ड वापस कर दो ना कर दो कोई फायदा नहीं। जेडे मौत दे वरंटा ते दस्तखत पहला करते 5 जून नु हरसिमरत कौर बादल ने, उदों इस्तीफा देना चाहिदा सी। दस्तखत करन तो पहला रिश्ता तोड़ना चाहिदा सी। दस्तखत करन तो बिना अवार्ड खत्म करना चाहिदा सी। हुण जो मर्जी कर लैन, ये हुण अजकल नवे बंदे चले है, कोई कहिंदा बसां लै जाओ, कोई कहिंदा फलां लै जाओ, कईआं ने इन्हां ने हजे पोस्टर पिंडां च लगे है, इन्हां लोगां ने पोस्टर लाए सुखबीर सिंह बादल ने, हल्के दे इंचार्जां ने, कि वेखो ये कानून बड़ा किसानां दे हक दा कानून है, हजे पोस्टर कंधां ते लगे है। ते अज ये कहिंदे मोदी डोडी मुर्दाबाद, अज कहिंदे नारा लाउंदे है, इन्हां ने उस मोदी की फोटो ला के अज तो 30 दिन पहला पिंडां च पोस्टर लाए कि ये कानून की हमायत करदे है, कांग्रेस गमराह कर रही है, ये कानून बड़ा चंगा कानून है। कंगना रनौत दा एक बयान आ रहा जी, कहीं 100 रुपए दिहाड़ी ते जा भाई, कंगना जी का क्या कहना, कंगना जी कुछ भी कह सकती हैं, जिनको मोदी नचाता है वो नाचते हैं। और मैं कंगना जी को कहना चाहता हूँ, कंगना जी एक औरत के मुँह से औरत के लिए इस तरीके की बयानबाजी कि तुसी क्या 100-100 रुपए में ये आते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि आप 5,000 में आते हैं तो नहीं कहना चाहिए। हम आपका
औरत होने के नाते आपका सत्कार करते हैं। लोग कह देंगे आप कहाँ जाते हैं, आप कितने में आते हैं। ये बात गलत है, किसी भी औरत के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और मेरे को लगता आपको पंजाब की महिलाओं से माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने गलत किया है, और जे माफी ना मंगी तो मैं पंजाब के किसान भरावों को कहना चाहना है, मैं गिदड़बा ते मुक्तसर इन्हां ते केस ठोकांगा। पंजाब दे जिथे जिथे कचहरी है, मैं किसान भरावों नूं ते पंजाबियों नूं अणखर गैरतमंद साडी मां नूं इहने गल कही है वी इह 100 रुपए ते आ जांदी है। इहो जे लोक असीं हर थां ते कचहरी च इहनां दे खिलाफ केस ठोकांगे, ते पता लगूगा कंगना रिजॉर्ट इहनूं रनौत नूं कि किवें पंजाबियों नाल पंगा लई।